मंदिर जो है वो राम का मंदिर है, भाजपा का मंदिर नहीं है। कांग्रेस के नेताओं को क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? मैं तो आ गया सर, और भी लोग हैं, उन्हें भी निमंत्रण मिला, उन्हें भी आना चाहिए, क्योंकि राम के निमंत्रण को तो कोई पादरी भी नहीं ठुकरा सकता, तो राम के निमंत्रण को कोई मुस्लिम धर्मगुरु भी नहीं ठुकरा सकता। किसी मुस्लिम उलेमा से पूछो कि हम तुम्हें राम के मंदिर का निमंत्रण दे रहे हैं, क्या ठुकराएगा? नहीं ठुकराएगा, राम सबके हैं। तो सर क्यों पूरा देश राममय हुआ है और कांग्रेस के नेता आचार्य कृष्ण शास्त्री जी हमारे साथ मौजूद है, सर पूरा देश राममय हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? पूरा देश नहीं, पूरा विश्व राममय हो जाएगा एक दिन। और ये जो 22 तारीख है ये भगवान श्री राम की जन्मभूमि के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तिथि है, लेकिन ये भारत में राम राज्य के पुनर्स्थापना की तिथि के रूप में जाने जाएगी। सर कांग्रेस से कौन कौन आ रहा है? अब मुझे नहीं पता, मैं तो आ गया। आप आ गए सर, कैसा लग रहा है कांग्रेस पे आकर? अयोध्या आकर सर कैसा लग रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे कई कई जन्मों के पुण्यों का फल है। अयोध्या की जो मिट्टी है जहाँ भगवान राम के चरण पड़े, जहाँ भगवान श्री राम, भगवान राम किसी एक ना पार्टी के हो सकते हैं ना एक दल के, भगवान राम सबके हैं और सब राम के हैं, भगवान राम सबके हैं। शंकराचार्य भी नहीं आ रहे, चार उसको क्या? नहीं, शंकराचार्य जी का बड़ा सम्मान है, शंकराचार्य जी को आना चाहिए, शंकराचार्य को आना चाहिए, क्योंकि मंदिर जो है वो राम का मंदिर है, भाजपा का मंदिर नहीं है। कांग्रेस के नेताओं को क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? मैं तो आ गया सर, और भी लोग हैं, उन्हें भी निमंत्रण मिला, उन्हें भी आना चाहिए, क्योंकि राम के निमंत्रण को तो कोई पादरी भी नहीं ठुकरा सकता, तो राम के निमंत्रण को कोई मुस्लिम धर्मगुरु भी नहीं ठुकरा सकता। किसी मुस्लिम उलेमा से पूछो कि हम तुम्हें राम के मंदिर का निमंत्रण दे रहे हैं, क्या ठुकराएगा? नहीं ठुकराएगा, राम सबके हैं। तो सर क्यों, क्या वजह ऐसी है सर? चलते रहिए, चलते जिन्होंने निमंत्रण ठुकराया ये सवाल उनसे पूछा जाए। ठीक, धन्यवाद सर। पूरा देश एक तरफ राममय हुआ है, जिसको लेकर कांग्रेस के नेता आचार्य जी अयोध्या पहुंचे थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि राम का जिसने निमंत्रण ठुकराया है, अब ऐसा क्यों है वही जानेंगे, लेकिन हम आए हैं अयोध्या और पूरा देश जो है राममय हुआ है। सहयोगी विपिन सैनी के साथ मैं राज सैनी, अयोध्या। पूरा देश राममय हुआ है और कांग्रेस के नेता आचार्य कृष्ण शास्त्री जी हमारे साथ मौजूद है, सर पूरा देश राममय हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? पूरा देश नहीं, पूरा विश्व राममय हो जाएगा एक दिन जी। और ये जो 22 तारीख है ये भगवान श्री राम की जन्मभूमि के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तिथि है, लेकिन ये भारत में राम राज्य के पुनर्स्थापना की तिथि के रूप में जाने जाएगी। सर कांग्रेस से कौन कौन आ रहा है? अब मुझे नहीं पता, मैं तो आ गया। आप आ गए सर, कैसा लग रहा है कांग्रेस पे आकर? अयोध्या आकर सर कैसा लग रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे कई कई जन्मों के पुण्यों का फल है। अयोध्या की जो मिट्टी है जहाँ भगवान राम के चरण पड़े, जहाँ भगवान श्री राम, भगवान राम किसी एक ना पार्टी के हो सकते हैं ना एक दल के, भगवान राम सबके हैं और सब राम के हैं, भगवान राम सबके हैं। सर शंकराचार्य भी नहीं आ रहे, चार उसको क्या कहना? नहीं, शंकराचार्य जी का बड़ा सम्मान है, शंकराचार्य जी को आना चाहिए, शंकराचार्य को